नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। G20 समिट से लौटने के बाद पड़ोसी मूल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं जो अब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम उन्हें इमरान खान की बात कर रहे हैं जिन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में अपनी हरकतों के चलते पाकिस्तान का खूब मजाक उड़वाया था। उनके शासन में पाकिस्तानी आवाम कंगाली की मार झेल रही है और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिकी दौरा क्या पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी नींव धर्म के आधार पर रखी गई थी। बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान भारत के साथ अपना मुकाबला देखता था, आज वही कंगाल पाकिस्तान पीएम मोदी के सशक्त भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। चालाक चीन के बढ़ते एहसान और बढ़ता कर्ज का बोझ, कर चोरी से लेकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी और खाली पड़ी सरकारी तिजोरियों ने आज पाकिस्तान को कंगाली और बदहाली की चौखट पलाकर खड़ा कर दिया है। भारत को खोखली परमाणु धमकी देने वाले पाकिस्तान है जिसकी सेना की भूख खत्म होने का नाम नहीं लेती है। इमरान खान की तमाम गुजारिशों के बावजूद भी पाक सेना बिना कोई कोताही बरते 1153 अरब रुपए का बजट पेश किया उसने, और ऐसे में देश को कंगाली से बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर्ज लेने में जुटे हुए हैं। कभी चीन तो कभी सऊदी अरेबिया के सामने हाथ फैलाते हैं। हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उन्होंने $6 बिलियन की आर्थिक मदद ली है, लेकिन शर्तों के साथ। पुराने कर्ज उतर नहीं रहे हैं और नए कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। नतीजन आवाम पर इमरान खान की चाबुक चलनी भी अब शुरू हो गई है। महंगाई बढ़ रही है, 200% गैस और तेल की कीमतें बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर मैंने आपके सामने पाकिस्तान की वास्तविक तस्वीर रखने की कोशिश की, और ऐसे में जब चीन से लेकर खाड़ी देशों से काम नहीं चला तो अब इमरान खान अमेरिका की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार व्हाइट हाउस की उस चौखट पर कदम रखने जा रहे हैं जहां से उन्हें धमकियां मिलती हैं, फटकार खानी पड़ती है, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मिलते हैं। तो 20 जुलाई से इमरान खान अपनी 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, जो कि ये इमरान खान का पहला अमेरिकी दौरा होगा, और ऐसे में दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय मसलों से लेकर रक्षा समझौते पर मुहर लग सकती है। लेकिन उस दौरान अपनी आदत से मजबूर इमरान खान अपनी कंगाली का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ भी फैला सकते हैं, जो कि अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ पाक के ढुलमुल रवैये को देखते हुए दी जाने वाली करोड़ों की वित्तीय मदद पर फुल स्टॉप लगा रखा है। वैसे कुछ महीनों पहले पाकिस्तान को हड़काते हुए ट्रंप ने कह दिया था कि पाकिस्तान ने झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं दिया, और ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि इमरान खान का अमेरिकी दौरा पाकिस्तान के लिए क्या सौगातें लेकर आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया, ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे, कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है, ये बंद क्यों हुआ?
ये बंद क्यों हुआ, क्या कारण है बंद हुआ, क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया, ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है? कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, तो क्या मैं यह भजन मंडली चलाने आया हूं क्या? क्या तरीका है ये? क्या आपको पता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? साथियों, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है जिसका अहम सेंटर ये बाड़मेर रहा है, राजस्थान रहा है, यहां की वीर माताएं रही है। यहां अनेक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब, लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया, सरकार ने टेबल पर सब गवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। दुनिया भर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। अगर उस समय मोदी होता तो, नब्बे हजार सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाइयों, लेकिन मौका गवा दिया। परिणाम पूरा भारत आज भुगत रहा है। वहीं आज की स्थिति देखिए साथियों, भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया है जी। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रहा है। आज विश्व के सामने दो प्रमुख चुनौतियां आई है, एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग। और मैं मानता हूं इस चुनौतियों को भी अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। हमने यूएन पर भी दबाव डाला। यूएन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे? मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि यूएन ये तय करे कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं,
ये लोग हैं जिनको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इतनी गंभीर समस्या पर यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा, दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। मेरा देश तो 40 साल से टेररिज्म के कारण परेशान है, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम दुनिया को समझा रहे हैं, दुनिया हमारे पर सवाल या निशान खड़ा कर रही है। मैंने कहा आपको ये ब्रह्म ज्ञान कहां से हुआ? और ब्रह्म ज्ञान इसलिए हुआ था कि उसके कुछ महीने पहले यहां पे स्टॉक मार्केट में एक बम फूटा था। उस बम की आवाज के कारण उनको पता चला कि हिंदुस्तान में टेररिज्म क्या होता है, और तब जाकर के टेररिज्म के लिए पहचानने को दुनिया ने समझना पड़ेगा। कोई ये मत सोचो कि आज उधर है तो कल हमारे यहां नहीं आएगा, ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। और इसलिए मानवतावादी शक्तियों का एक होना, मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये विश्व की मांग है, और उस मांग को पूरा करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और उस बात को लेकर के मैं निकला हुआ हूं दोस्तों, जिस धरती से अहिंसा का मंत्र निकला हो वो विश्व को शांति के लिए आग्रहपूर्वक कह सकता है कि मानव जात के लिए 21वीं सदी रंगरंजित नहीं हो सकती है। निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाली 21वीं सदी को कलंकित होने से बचाना चाहिए। मैंने ताल ठोक करके यूएन में अपनी बात बताई है, कल भी दोबारा जा रहा हूं, कल दोबारा बताने वाला हूं।